अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम गलीम खान नए लेक्चर के साथ। एक्सरसाइज 3.2 रिमेनिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से 8 क्वेश्चन से अबव। और आप लोगों को पता है कि इस मेथड में आपने क्या सीखा था कि वेरिएशन के बारे में, डायरेक्टली वेरिएशन और इन्वर्सली वेरिएशन के बारे में। आज हम उस वेरिएशन की कुछ काइंड्स जो है ना वो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्वेश्चन दिया गया, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x 1 ओवर x एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x। इसे हम डबल मेथड से पढ़ सकते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर x या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3, फाइंड द x एंड y इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर x या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x इज इक्वल टू, जब इक्वालिटी का साइन आता है तो k कांस्टेंट आता है और k हमेशा ऊपर आना चाहिए, वेरिएबल के साथ नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है। तो इस सूरत में ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, हम पुट करेंगे क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 y और x वैल्यूज हैं, तो पहली दो वैल्यूज आप पहले पहले पुट कर देंगे ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें, और k की वैल्यू जब निकल आए तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज पुट करके और साथ में k की वैल्यू पुट करके बाकी वैल्यूज फाइंड की जा सकती है। इस सूरत में हम ये 4 y की जगह पर 4 और x की जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे और ये 12 बनेगा और k की कीमत हमारे पास क्या आएगी, 12 आ जाएगी। और यू नो दैट, फिर मैंने कहा जब k की कीमत मालूम हो जाए तो आप k की कीमत और साथ में जो रिमेनिंग बाकी बची हुई है वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो इस सूरत में k इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 24, पुट इन इक्वेशन 1, 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो फिर y इज इक्वल टू k ओवर x, y की जगह 24 और k की जगह पर 12 और x, x को इधर ले जाए 24 को इधर ले आएंगे तो 12 ओवर 24 बनेगा। कैंसलेशन करेंगे, 12 1 द 12 और 12 2 द 12 का टेबल आपको याद होना चाहिए और 1/2 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने x की वैल्यू फाइंड की है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, इफ w वेरीज डायरेक्टली 1 ओवर z, w वेरीज इनवर्सली z, और इसके बाद w 5 है और z जो है ना वो 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज दिस। तो हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है, इस रिलेशन के मुताबिक हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन हम k की वैल्यू बनाएंगे w इज इक्वल टू साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k आ जाएगा और उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे। अब ये वैल्यूज हमारे पास जो दो थी वो हम पहले इसमें पुट करेंगे और हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 होगी। जब k की वैल्यू 75 निकल आए तो फिर ये k की वैल्यू और एंड पे दी गई z की वैल्यू, ये वाली वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको मिलेगा यहां पर w k की वैल्यू 35 और ये इस तरह से देखिए, यहां पर 35 डिवाइडेड बाय 175 ओवर 4, जब डिवाइड को आप खत्म करके मल्टीप्लाई लाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कैंसलेशन होगा। पहले मैंने 5 पे काटा तो 5 7 था 35 और 5 पे काटने से 35 आता, फिर 7 1 था 7 और 7 5 था 35, तो 4 ओवर 5 हमारे पास क्या आ गई, w की कीमत आ गई। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इज द इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ आर स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 2 व्हेन ए इज आर इज इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन ए इज 75। हमारे पास ये रिलेशन है, हम इसे इक्वालिटी की सूरत में लिखकर हम इक्वेशन 1 बनाएंगे और इक्वेशन 1 की सूरत में बाद में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों वैल्यूज आप पुट करें। लेकिन यहां पर आपने ख्याल ये करना है कि जब आप आर की वैल्यू पुट करने लगे तो R की वैल्यू का, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर पहले खोलेंगे फिर उसे इधर लाएंगे जो कि 18 बनेगा और 18 K की वैल्यू, और आगे हमारे पास क्या है, 72 A की वैल्यू और K की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट कर दें तो हम R फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन आर यहां पर है तो इसको इधर ले जाएं और 75 को इधर ले आए तो 18/72 आएगा, और 18 का टेबल आपको अगर नहीं आता तो आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं, और 18 × 4 = 72, 1/4 आता है, लेकिन हमें आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो फिर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे 1/2, ये हमारे पास आर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, लेकिन उसमें बच्चे जो भूल जाते हैं और वो ये बात है कि ये जो स्क्वायर होते हैं, क्यूब होते हैं, यहां पर ये वैल्यूज आप भूल जाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम इसका रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाने के बाद वैल्यू इक्वेशन वन, और ये पुट करने से हमारे पास यहां पर जब चार आप पुट करेंगे फोर, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 × 16 को इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, वो k की वैल्यू 48 आ जाएगी, और जब k की वैल्यू 48 तो बाकी रिमेनिंग b की वैल्यू आप जो है ना उसमें पुट करें, b की वैल्यू क्योंकि उसका स्क्वायर है तो 48/64, और कैंसलेशन करें तो ये कैंसलेशन 6 × 48 = 8, 6/8 बनेगा, फिर ये 3/2 पे कटा है, 3×2 = 6, 3×4 = 8, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3/4 आई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब, वी की वैल्यू है व्हेन आर की वैल्यू है, फाइंड वी व्हेन आर इज दिस एंड आर व्हेन वी इज दिस, मतलब कि इसके अंदर दो क्वेश्चन मौजूद है, यहां तक दो वैल्यूज पुट करके आप के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद फाइंड वी, वी फाइंड करेंगे आर दिया हुआ है, फिर आर फाइंड करेंगे और वी दिया हुआ है, यानी कि उससे हम के निकाल के इसमें दो, एक पोर्शन ये और दूसरा पोर्शन ये, दो पोर्शन यानी कि इस सवाल के बनेंगे, बाकी सवालों में एक एक पोर्शन था, इस सवाल में क्या है, दो पोर्शन है, या पहले तीन क्वेश्चन किए थे उनमें भी दो दो तीन तीन एक एक पोर्शन मौजूद था, ये भी उसी तरह से मौजूद है, तो इस सूरत में वी इज इक्वल टू के ओवर आर क्यूब, और वी और आर की वैल्यू पुट करके आर की 3³ × 5 को जरब करेंगे 135, यानी कि के की वैल्यू फाइंड, जब के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V मालूम करने के लिए R हमारे पास 6 है, लेकिन उसके हम क्या करेंगे, R 6 भी पुट करेंगे और साथ में K की वैल्यू कांस्टेंट भी पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू K की वैल्यू भी पुट की और R की वैल्यू भी पुट की, दो के 216 और वो 135, कैंसलेशन करने के बाद 5/8 आता है। इसी तरह हमारे पास फिर दोबारा हम पुट करेंगे वो जो कि V की वैल्यू क्या है 320 है और R फाइंड करना है, तो फिर हम K की वैल्यू वही पुट करेंगे और V की वैल्यू 320 पुट करके हम R की वैल्यू मालूम करेंगे, तो उस सूरत में K की वैल्यू 135, V की वैल्यू हमने 320, R को उधर ले जाएंगे R क्यूब, और ये 135/320 कैंसलेशन करेंगे, और कैंसलेशन के बाद हमारे पास ये बचेगा, और लेकिन ये R क्यूब है, हमें चाहिए R की वैल्यू, तो 3³ = 27 होता है, 4³ = 64 होता है, तो हमने दोनों तरफ का क्यूब रूट लिया, और क्यूब रूट लेने से ये इससे कैंसिल हो गया, तो उस सूरत में हमारे पास क्या आया 3/4। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एन क्यूब एंड एम इज इक्वल टू 2 एंड व्हेन एन इज इक्वल टू 4, ये भी हुई, फाइंड एम व्हेन दिस, फाइंड एन व्हेन M is 432। इसी तरह पहले पहले हम K की कीमत मालूम करेंगे, M is equal to K over N cube मालूम करने के बाद हम उसमें K की वैल्यू 128 आ जाएगा, 128 आएगा, जब 128 K की वैल्यू आएगी तो उसकी N की पहली वैल्यू पुट कर देंगे और साथ में K की वैल्यू पुट कर देंगे, इस सूरत में ये दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद 6³ × 3 = 216, और ये कैंसलेशन करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा 16/27। इसी तरह फिर M की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में K की वैल्यू भी पुट करेंगे, और दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये सूरत बनेगी, N को इधर लाएंगे तो N क्यूब 128/432, कैंसलेशन करेंगे और कैंसलेशन करने के बाद
फिर ये हमारे पास 8/27 बचेगा। 8/27 का मतलब है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 27 का मतलब 3 की पावर 3। हम इधर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, हम क्यूब रूट लेकर इसे कैंसलेशन करेंगे। जब कैंसलेशन हो जाएगी तो एन की कीमत हमारे पास 2/3। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि बेल के आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।